नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हम हैं तलमीज़ अहमद के साथ। तलमीज़ अहमद एक बहुत जाने माने डिप्लोमेट है। इन्होंने सर्व किया है यूएई में, सऊदी अरेबिया में, ओमान में एज एन इंडियन एम्बेसडर। और आज हम इनसे बात करने वाले हैं थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, थोड़ी इनकी किताब के बारे में। और आजकल वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ कमी तो है नहीं ख़बरों की, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर, मैं आपसे आपकी किताब के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी, एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेंगे। जी जी, शुक्रिया। मेरी किताब का नाम है वेस्ट एशिया एट वॉर, और इसका एक सब टेक्स्ट है। सब टेक्स्ट है रिप्रेशन, रेजिस्टेंस एंड ग्रेट पावर गेम्स। तो इससे जाहिर है कि क्या थीम होगी। ब्रॉड थीम ये है कि इस पूरे इलाके में एक अथॉरिटेरियन रजीम रही है, और उसके खिलाफ, उसकी मुखालफत अवाम ने रेगुलरली की है। उसको इस वजह से मैं उसको रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है। लेकिन इस पूरे इलाके की जो पॉलिटिक्स है उसमें बाहर के देश इसमें शामिल हैं। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूंगा अमेरिका का। तो ग्रेट पावर गेम्स का उसमें मेरा इशारा है अमेरिका की तरफ। लेकिन मेरी किताब एक ऐतिहासिक किताब है, यानी कि जो इस इलाके की पॉलिटिक्स है पिछले 100 साल में, तो उसमें पहले थे अंग्रेज़ थे, फ्रेंच थे, वो किस तरह हटे, उनका क्या असर हुआ इस इलाके में, फिर वो किस तरह हटे और फिर अमरीकी आए। तो ये है पूरी कहानी, और ये कहानी मैं दिसंबर तक लाया हूँ, पिछले दिसंबर तक लाया हूँ। तकरीबन मैं कहूँगा 100 साल से ज़रा ज़्यादा ये मैंने कवर किया है 500 पेजेस में, 550 पेजेस में। तो ये बहुत ही डिटेल्ड और थरर स्टडी है। इसमें पॉलिटिक्स भी है, ऑयल पॉलिटिक्स है, अलग तरह के वॉर, जिस तरह ये सारे देश बने और फिर उसमें क्या हुआ, आपस में किस तरह की राइवलरीज थी, टेंशन्स हुए, वॉर्स हुए, फिर बाहर से हमले हुए, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत गहराई से और अच्छी तरह बिल्कुल क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है। हाल ही में जब यूक्रेन और रशिया की बात हो रही थी, तो हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया कभी वोट नहीं कर रहा है, उनकी एब्सेंस है इंडिया की। जब जब कोई चार्टर आ रहा है जिसमें आप बात कर रहे हो कि रशिया को आप मतलब कंडेमन करें उनकी एक्टिविटीज़ को, वहाँ पर भारत नहीं प्रेजेंट था। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये एक साइलेंट सपोर्ट है भारत का रशिया की तरफ? मुझे नहीं लगता कि आपके दिल में, आपके जहन में इतना शुभा क्यों है। हमारे इंडिया का रिश्ता रशिया के साथ 60-70 साल से है और वो कभी टूटा नहीं है। आपको इस वजह से डाउट हो रहा है क्योंकि कुछ आपको हिंट्स मिले हैं कि हम अमेरिका की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो और कुछ उनकी तरफ, अमरीकियों की तरफ से प्रोपेगेंडा हुआ है, और अमरीकियों की तरफ से यहाँ पे काफ़ी प्रोपेगेंडा होता है इंडिया में। उनके सपोर्टर हैं, बहुत बहुत चीखते हैं, ज़ोर शोर करते हैं। तो इस वजह से एक माहौल बन चुका था इंडिया में कि हम अमरीका की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, और हमारी सरकार ने भी कुछ ऐसी कोशिश नहीं की इसको करेक्ट करने की। लेकिन जहाँ मेरा बिल्कुल क्लियर असेसमेंट है, और वो ये है कि इंडिया कभी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी छोड़ नहीं सकता और किसी एक देश के साथ जा नहीं सकता, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, मुझसे आप पूछिए। एक तो हम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा देश है, बहुत अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह के हमारे पास इंटरेस्ट हैं। तो हम किसी एक, ये इतना बड़ा देश जिसकी एक ट्रेडिशन रही है, 1947 में जब कोल्ड वॉर शुरू हुई थी हमने इनकार कर दिया कि हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। उस टाइम हमारे ऊपर कितना प्रेशर डाला था अमेरिका ने, और हमारे कोई बुरा भला भी क्या था कहा था। लेकिन अब इंडिया का जो अब सिचुएशन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ क्योंकि हम वहाँ से हथियार खरीदते हैं। ये गलत फहमी है लोगों की कि हम डिफेंस सप्लाईज हैं 70%, इसलिए इंडिया वहाँ जा रहा है। इंडिया को हमको ज़रा ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ पॉलिसी, इंडिपेंडेंस ऑफ असेसमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन, ये अभी भी बदस्तूर कायम है। कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता। अभी कई लोगों को लगा कि क्योंकि चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हो रहा है, इस वजह से शायद हम बिल्कुल हिल गए हैं और इस तरफ चले गए हैं, और जो हमारे अमेरिकी भाई हैं उन्होंने ज़रा इसके ऊपर फोकस भी किया। ये नहीं हुआ है।
मेरी मैंने कहा है और मैं फिर से इसका इसको इसको मैं आई मीन फिर से दोहराऊंगा, वो ये है कि शायद कुछ हमारे एक्शंस की वजह से चाइना में ये एक असेसमेंट हुआ कि इंडिया अमेरिका की तरफ इररिट्रीवेबली चला गया है, और ये हुआ क्वाड के दौरान, जब क्वाड को इंडिया ने जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से मिनिस्ट्रियल लेवल को पे अपग्रेड किया और हमारे मंत्री ट्रंप के मंत्री पोम्पियो के साथ बैठे और एक ये ओवर्ट हॉस्टाइल एंटी चाइना अलायंस है उसमें हम शामिल हो गए, तो मुझे लगता है जिस तरह चीन ने अपने फौज अप्रैल 2020 में कर दी, यानी कि विद इन ए फ्यू मंथ्स उन्होंने हमको इशारा दे दिया कि ये गलत आपका एक्शन है और आपका हमारे साथ 4000 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर है जो अनडिमार्केटेड है, आपको हमसे हमारा रिश्ता आपके साथ बिल्कुल अहमियत पाता है। इंडिया ने कोर्स करेक्शन उसी टाइम शुरू कर दिया है। अब देखिए क्वाड, पहले तो हम सुनते थे सिक्योरिटी अलायंस है और ये चार देश वहाँ साउथ चाइना सी जाएंगे, ईस्ट चाइना सी जाएंगे, चाइना को कंफ्रंट करेंगे, ताइवान के खिलाफ, हांगकांग के बारे में, वो सब अब ख़त्म हो गया यार। वो मुझे लगता है कि इंडिया के इनिशिएटिव पे ख़त्म। अब ट्रंप, अब वो जो हमारा समिट हुआ उसमें क्या तय हुआ, क्वाड क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज कोऑपरेशन, वैक्सीन कोऑपरेशन, हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन। इसका मतलब क्वाड जो हम समझ रहे थे शुरू में वो अब ख़त्म हो गया है, उसका कोई सिक्योरिटी कंटेंट नहीं है। अमेरिका की तरफ से ये भी इशारा है, इट्स एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ नो सिक्योरिटी कंटेंट, यानी कि मिलना मिलाना बातचीत ज़रूर होगी लेकिन जो जो इसके प्रायोरिटीज़ हैं वो ये चार हैं जो मैंने, उसमें कोई सिक्योरिटी। मुझे लगता है कि ये इंडिया की तरफ से एक बहुत अहम इशारा है चाइना की तरफ और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर होगा, वो अभी मुझे लगता है थोड़ी देर लगेगी लेकिन उसका पॉजिटिव। जैसे ही वो यूक्रेन का मामला हुआ और पिछले मंडे को जो फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने इंटरव्यू दिया, वो मुझे लगता है कंसिलिएटरी अप्रोच है, तो जल्दबाजी की बात नहीं है इसमें। आप इस मेरे समझ में ये आती है कि नंबर वन, इंडिया का फोकस है स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी पे, और दूसरा ये है कि चाइना के साथ जो एक यू कैन से मिसअंडरस्टैंडिंग या डिफरेंसेस शुरू हो गए थे वो शायद करेक्ट हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो आज हमें तलमीज़ अहमद साहब ने जो भारत या फिर भारत के बाहर भी दुनिया भर में जो दो बड़े मुद्दे चल रहे हैं इस समय, रशिया और यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान ने कब्ज़ा किया है उसका एक जो मुद्दा चल रहा है, उन दोनों पे बेहतरीन तरीके से हमसे डिस्कशन किया, हमसे बात की और अपना ओपिनियन, अपना मत रखा, अपना एनालिसिस रखा। मैं हूँ साहिबा खान विद तलमीज़ अहमद फॉर ABP लाइव। थैंक यू।